मरूफ गेम प्लेयर इन ऑनर बैटल ग्राउंड्स पबजी जैसे ही मुतारफ़ कराई गई तेज़ी के साथ पूरी दुनिया में मकबूल हो गई और आज ये मगरबी दुनिया के साथ साथ मुस्लिम मालिक में भी बहुत पसंद की जाती है। ताहम अब एक पाकिस्तान आलम दीन ने इसके ख़िलाफ़ फतवा जारी कर दिया है। वेबसाइट पढ़ लो के मुताबिक आलम दीन ने फतवा में कहा है कि ये गेम खेलना हराम है और मुसलमानों को इससे दूर रहना चाहिए। अपने वीडियो प्रोग्राम में आलम दीन फरमाते हैं कि क़यामत बरपा होने से पहले इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जंग होगी जिसका नाम अल मुल्हतुल कुबरा होगा। ये जंग इतनी खौफनाक होगी कि 99 हारेंगे और सिर्फ 1 जीतेगा। बिल्कुल ऐसा ही इस गेम में होता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अल-मुल्हतुल कुबरा में जो आदमी हक की तरफ से लड़ेगा वो जन्नत में जाएगा और दूसरे दोजख में। ये गेम इस जंग की नकल है। इस गेम के ज़रिए मुसलमानों को इस जंग के हवाले से गलत काम सिखाए जा रहे हैं, जिनमें से ये है कि इस गेम में खिलाड़ी को गांव तबाह करने होते हैं। ये गेम यहूदियों ने गुमराह करने के लिए बनाई है। हकीकत में ये गेम चीनी डेवलपर ने बनाई और लॉन्च की है। ताहम हकीकत अल्लाह ही जानता है। आलम दीन ने वीडियो प्रोग्राम में मज़ीद कहा कि ये गेम इस कदर मनहूस है कि इसे खेलने वाले बच्चे अपने वालदैन के नाफरमान बन जाते हैं। इन्हें इस गेम की ऐसी लत लग जाती है कि वो इसके बगैर रह ही नहीं पाते और इनकी सोच ही तब्दील हो जाती है।